हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं गणित का प्रश्न। ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये क्षेत्रमिति का प्रश्न है। ये प्रश्न क्लास सेवन्थ के बुक से लिया गया है और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये क्लास सेवन्थ एट्थ और कंपटीशन हर जगह आपको ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। चलिए अपने प्रश्न को पहले पढ़ते हैं और फिर इसका हल जानते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आगे देखिए इसमें। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए। 12 मीटर लंबा व 10 मीटर चौड़ा एक आयताकार हॉल 4 मीटर चौड़े बरामदे से घिरा है। बरामदे का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो पहले प्रश्न को आइए समझते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक हमारा बरामदा है, हॉल है, जो कि हॉल जो है आयताकार है, यानी इसमें लंबाई चौड़ाई दिया है और इसके चारों ओर एक बरामदा बनाया गया है। बरामदे की चौड़ाई प्रत्येक जगह पे 4 मीटर है। तो आपको बरामदे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले इस सवाल का हल देखने के लिए इसका पहले आप एक डायग्राम बनाइए, चित्र बनाइए, उसके द्वारा इस सवाल का हल निकालना काफी आसान हो जाएगा। आइए चित्र बनाते हैं। देखिए ये नीचे जो चित्र बनाया गया है, इसमें ये जो बना है आयत, ये देखिए, ये इसका, ये हॉल का लंबाई चौड़ाई है, जिसकी लंबाई है 12 मीटर और चौड़ाई है इसका 10 मीटर। ये अभी हम हॉल की बात कर रहे हैं दोस्तों। और इसके चार ओर देखिए 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। प्रत्येक जगह इसकी चौड़ाई 4 मीटर है, यानी हर जगह पे इसकी चौड़ाई 4 मीटर है। उसके बाद देखिए, अब जैसे हम हॉल का निकाले हैं लंबाई चौड़ाई जो कि प्रश्न में दिया था, उसी प्रकार से अब इस चौड़ाई का प्रयोग करते हुए जो हमारा पूरा ये बना है आयत, इसका एक नाम दे दीजिए, ए बी सी डी। यानी जो ए बी सी डी आयत है, इसकी देखिए लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई देखिए 12 है, तो इसकी लंबाई जो इतना और इतना इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी ये 4 है, ये भी 4 है, तो 12 प्लस चार जो कि अगर 20 मीटर। उसी प्रकार से यहाँ पे आप 10 में यहाँ पे 4 यानी 8 जोड़ोगे तो यहाँ पे 18 मीटर आ जाएगा। इस प्रकार से जो ये आयत हमारा ए बी सी डी बना है, इसका जो क्षेत्रफल, इसकी लंबाई चौड़ाई हो जाएगी, ये लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर हो जाएगा। अब देखिए, ये अब हमें इस बरामदे का क्षेत्रफल निकालना है, यानी जो ये भाग है इसका, ये इस भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये देखिए, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए पहले आप ये आयत, बड़ा वाला जो आयत है, इसका क्षेत्रफल निकालोगे, उसके बाद जो ये हॉल है इसका निकालोगे, फिर ये आयत जो ए बी सी डी है, इसके क्षेत्रफल से आप हॉल का क्षेत्रफल घटा दोगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए, सबसे पहला काम हमारा है कि हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं जो बड़ा वाला है। दोस्तों, क्षेत्रफल निकालने का आयत का फार्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसी के द्वारा हम इसका मान निकालेंगे। यहाँ पे लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 18 मीटर है, तो ये 360 और यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। उसके बाद हम हॉल का क्षेत्रफल निकालेंगे, हम सेम इसी रूल से। दोस्तों, हॉल भी हमारा आयताकार है, तो यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा। यहाँ पे लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है, तो ये हमारा 120 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें बरामदे का क्षेत्रफल निकालना है।
अब देखिए बरामदे का जो क्षेत्रफल होगा हो जाएगा आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस हॉल का क्षेत्रफल, वैल्यू रख के घटा दीजिए। देखिए 240 मीटर स्क्वायर आ गया है, यानी कि हॉल और हॉल का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, इसलिए हमारे बरामदे का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 240 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारे प्रश्न में पूछा था, जो कि हमारा उत्तर आ चुका है। देखिए दोस्तों सवाल लगाने का तरीका कितना आसान था। इसमें आपको प्रश्न को समझना है, फिर उसका डायग्राम बनाना है, फिर इसका जो प्रोसीजर है सवाल लगाने का, आपको बड़े वाले आयत से आपको हॉल का जो हमारा हॉल जो आयत बना है उसको घटा देंगे उसके क्षेत्रफल से, तो हमारा बरामदे का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि हमारा यही क्या है फाइनल आंसर है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।